कोटा संभाग के जो प्रमुख लीडर्स हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और जो मुख्य एजेंडा हमारा है वो हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है 2 महीने तक चलेगा, बूथ बूथ में जा करके राहुल गांधी जी की यात्रा का जो संदेश लेकर के आए हैं वो संदेश देना है, राजस्थान सरकार की फ्लेक्सी योजनाओं का जो पर्चा हम लेकर के आए हैं वो हम लोग बूथ में देंगे, जो केंद्र की सरकार विफल रही है 8-9 साल से उनकी जो चार्जशीट हमने बनाई है वो हम लोग देंगे, गांव गांव ढाणी ढाणी गली मोहल्ले में वार्ड में सब में जा कर के, और हम लोग जो राहुल गांधी जी ने नफरत मिटा करके जो प्यार का संदेश दिया है, जो बेरोजगारी की समस्या को समाधान केंद्र की सरकार नहीं कर रही है, महंगाई कम नहीं कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं का डर दिखा करके और देश में जो कुशासन दिया है उन्होंने, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आज प्रमुख नेताओं के साथ उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरीके से निभा रहे हैं, कैसे गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं, क्योंकि जब सरकार हमारा राजस्थान में अच्छा काम कर रही है और राहुल गांधी जी ने जब 4,000 किलोमीटर यात्रा पैदल करके एक संदेश पूरे देश को लोगों को दिया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सबका धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हम सब जाएं। आज प्रभारी जी हमारे बीच में आए हैं, तो पहले अजमेर मंडल उस भी संभाग का हमने दौरा किया था, वहाँ बैठक की, जयपुर संभाग की, आज हम लोग कोटा संभाग में जा करके तमाम नेताओं के साथ में चर्चा। देखिए हम सब एक हैं, ये बीजेपी वालों से सवाल पूछो कि किरोड़ी जी सतीश पूनिया के लिए क्या कह रहे हैं, सतीश पूनिया किरोड़ी जी के लिए क्या कह रहे हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी के लिए क्या कह रहे हैं, वो उनमें पूछना है, वो विपक्षी भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं, और हम सुशासन दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, अच्छी हमारी फ्लेक्सिप योजनाएं हैं, और कोई एंटीकमेंच नहीं है, 2023 में हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पुनः यहाँ पर सरकार मिला हुआ है ना, आपको दिख नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम मिला हुआ है, सब साथ हैं, सचिन जी, अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, सचिन जी, सीपी जोशी जी, गोविंद डोटासरा, सब लोग एक हैं। ये इनको पूछो, बीजेपी वालों को पूछो कि वसुंधरा जी के पोस्टर क्यों कभी फाड़ रहे हो, क्यों कभी जोड़ रहे हो, वो उनमें है सर। इसी बीच में कोरोना का तो एहतियात सबको बरतना ही चाहिए, और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, और हमने कोरोना काल में जो सबसे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम किया है, मैं समझता हूँ कि देश में कहीं भी इस तरीके का मैनेजमेंट कोरोना में नहीं रहा, और इतनी दवाइयाँ फ्री, और आज हम हेल्थ टू राइट टू हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने कोरोना बोला कि पार्टी में भी कोरोना आ गया, किसी को नहीं बोला, जो बीजेपी की सरकार गिरा रहे हैं मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और राजस्थान में भी बीजेपी ने जो कुप्रयास किया उसकी ओर उनका इशारा था, न कि कोई किसी व्यक्ति के विशेष के खिलाफ।